फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 स्टॉक्स। हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ये 20 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं, जो कि अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, ये स्टॉक में अभी बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो मैं आपको लेवल भी बताऊंगा कौन सा लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि दो चार स्टॉक है ऐसा लेवल है, तो उनको थोड़ा सा लेवल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक बार जरूर बता दूं, आप आखिर तक बने रहिए। आप जब आखिर तक बने रहेंगे, मैं आखिर में आपको जरूर बताऊंगा बीच में कि आज के डेट में मैंने कौन सा स्टॉक बाय करके चला हूं और कौन सा स्टॉक में मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखेंगे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ये दो कॉमेंट्स में जरूर इसका रिप्लाई देना चाहूंगा। तो यहाँ पे बाबा मंडल जो है, उन्होंने बोला है कब तक ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब उन्होंने बात किया, ये जो देन कंपनी के बारे में जो वीडियो बनाया था उसके बारे में बात किए हैं कि वो कब तक ऊपर जाएगा। ऐसा थोड़ी बता सकते हैं कि कब तक ऊपर जाएगा। अगर ऐसा मेरे को मालूम होता तो सारे इन्वेस्टमेंट में एक ही जगह में कर लेता, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा ऐसा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात होती है। दूसरी बात होती है, आप तो वीडियो मुझे लगता है आपने बराबर देखा नहीं है, क्योंकि अगर आपने वीडियो बराबर देखा होता तो आपको पता चल गया होता कि कौन सा लेवल तक है और कौन सा टाइम पीरियड की हमने बात किया है। तो वीडियो को जरूर एक बार जरूर पूरा देखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कौन सा लेवल की बात कर रहे हैं और कितना टाइम फ्रेम उसका, कितना मंथ्स का रहेगा। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे सुनील जी ने बताया है उन्होंने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक में, फिर भी वो एवरेज करना चाहते हैं। ठीक है सर, ये एवरेज किए अभी 54 पे। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, तो आपने 1 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्टॉक ने, तो इतना मतलब 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका पोर्टफोलियो साइज अगर बड़ा है, अगर आपका बिग पोर्टफोलियो साइज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल है, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो भी है आपको मैक्सिमम 3-5% का अंदर रखना है। ठीक है, ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर आपने कोई लार्ज कैप स्टॉक पकड़ा हुआ है, सपोज HDFC AMC हुआ, उसमें अगर आपका 5-10% रख लिए तो फिर भी चलेगा, क्योंकि वो लार्ज कैप स्टॉक है, मार्केट लीडर है उसी हिसाब से। लेकिन ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें आपको मैक्सिमम 5% तक ही रखना है, उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला स्टॉक जो सिलेक्ट किए हैं एशियन पेंट है। फ्रेंड्स, ये काफी दिन से कंसोलिडेशन में था, मैंने आपको बहुत दिन बताया भी था, इस रेंज पे जब आया था उस टाइम पे मैंने वीडियो बना के भी बताया था कि आप इस रेंज पे बाय करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपने बाय नहीं किए तो फिर भी गाड़ी छूटा नहीं है, अभी भी आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि काफी दिन से वही लेवल पे ही चल रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो अभी अगर बाय करके चलते हैं, वो भी लेवल आपको जुलाई के लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई में भी वही सेम लेवल पे था। ठीक है, स्टॉक में इतना ज्यादा भागा नहीं है, तो अभी भी आप बाय करके चल सकते हैं स्टॉक में। अगर आज के दिन का अगर डिलीवरी भी देखेंगे स्टॉक में, 52% का यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइंड है। ठीक है, पहले 830 करोड़ का था, अभी 596 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है। तो लेकिन यहाँ पे सेल्स में तो बढ़िया सा सेल्स दिखाया ना, यहाँ पे 5,350 करोड़ का पहले सेल्स था, अभी अगर सितंबर में देखेंगे 7,096 करोड़ का सेल्स है। सेल्स में तो बढ़िया सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोई भी क्वार्टर में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट अगर डिक्लाइन होता है, इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है, निफ्टी 50 स्टॉक है, स्टॉक में बिल्कुल भरोसा आएगा, तभी तो ये नीचे आता है ना। जहाँ पे इनका रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ये सब स्टॉक्स है नीचे आता है, नहीं तो वैसे तो ये नीचे आता भी नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा और एक चीज़ है, ये सारे ब्लू चिप जो स्टॉक है ना, ये कभी ना कभी 200-day मूविंग एवरेज को जरूर रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, कभी ना कभी एक साल में ये स्टॉक जरूर आता है 200-day मूविंग एवरेज के पास में। देखिए, यहाँ पे हमेशा 200-day मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यही सब मौका होता है, इसी टाइम पे ही हमें बाय करना है। ठीक है, अगर आपने बाय नहीं किया, अभी देखिए 200-day मूविंग एवरेज के पास आया भी था, लेकिन अभी रिवर्सल दिखा चुका है। अगर आपको बाय करना है, इस लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, जो कि एस्ट्रल है। अगर एस्ट्रल में हम देखते हैं, इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने आपको ये रेंज बताया था, लेकिन ये रेंज तक अभी तक स्टॉक आया भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको बाय करना है, मेरे हिसाब से आपके लिए जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो लेवल नोट करके चलिए। यहाँ पे 100-day मूविंग एवरेज तक जरूर आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100-day मूविंग एवरेज के बहुत बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 100-day का मूविंग एवरेज निकल करके आता है 2,125। ठीक है, 2125 रुपये का करीब, मतलब करीबन ये स्टॉक आ सकता है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। ठीक है,
ये कैसे क्या सेट करते हैं 100 डे का मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज, फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं है ना, आप बिल्कुल यहाँ पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर जाएंगे इस चैनल में, अगर जाएंगे चैनल में जाके, अगर प्ले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, सॉरी ओपन हो रहा है कुछ, अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद में आप बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो कि वेलकम टू, यहाँ पे प्लेलिस्ट से आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वाला ट्यूटोरियल है, यहाँ पे बिगनर से ये वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको बढ़िया सा आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं ये जो 20 स्टॉक बता रहा हूँ ये सारा पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप न्यूली अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये सारे स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। अगर फिर भी आपको पोर्टफोलियो देखना है तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिव्यू वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें काफी सारा कमेंट दिया हूँ कौन सा स्टॉक है आपको बिल्कुल नजर में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये स्टॉक में बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज तक इंतजार कीजिए, जो कि 2120 से लेके 2140 के रेंज पे बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं, जो कि 2120 से लेके 2150 का रेंज पे आप बाय करके चलिए। स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है, मल्टीवैगर स्टॉक है। जो भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ सारे मल्टीवैगर स्टॉक है, इसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड, सब बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है सारे कंपनी में। अतुल है, अतुल लिमिटेड सबके पास में होगा, जो भी स्टॉक मार्केट में 4-5 साल में है, मतलब मिनिमम, या तो फिर 2-4 साल में है, उनको तो पता है अतुल किसी हिसाब से रिटर्न देता है, ठीक है ना। अतुल मार्केट में अगर केमिकल स्टॉक्स में देखा जाएगा बेहतरीन रिटर्न देता है। ये स्टॉक में आपका पोजीशन अगर नहीं है फ्रेंड्स, आप इमीडिएटली भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। मैंने इस लेवल भी बताया था आपको, जो कि ट्रिपल, जो 8888 का लेवल है, इस लेवल पर अगर आपने बाय नहीं किए हैं तो अभी भी वही लेवल के नीचे चल रहा है, तो आप बाय करके चल सकते हैं। बढ़िया सा स्टॉक है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। अगर आप खुद यहाँ पे आएंगे ना, कोई भी स्टॉक बाय करते हैं ना, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, जो कि स्क्रीनर में आके यहाँ पे मार्केट कैप देख लीजिए, जो कि मार्केट कैप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर है तो मिड कैप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्मॉल कैप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिड कैप स्टॉक है, जो कि 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, कर्जा बिल्कुल नहीं, लोन बिल्कुल नहीं है। आरओसी देखिए 24 का आरओसी है, अगर प्रमोटर प्लेस देखेंगे 1.5%, वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि मैं तो हमेशा बिलो 10% का जो प्लेजिंग होता है उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ, उससे ज़्यादा तो प्लेज में रिस्की होता है। अगर हम देखेंगे स्टॉक का ऑल टाइम हाई 10,975 है, अभी अगर देखते हैं 8,700 के पास में चल रहा है, तो इस हिसाब से स्टॉक में 2,000 पॉइंट का अभी करेक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर हम देखते हैं इसका 10 साल का CAGR में 48% का CAGR रिटर्न बना के दिया है स्टॉक ने, ठीक है। आप बिंदास से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना फ्रेंड्स, हम तो डेली बात करते हैं ना स्विंग ट्रेड के बारे में, ये वीडियो तो मैंने आज जो बनाया हूँ, जिन्होंने स्विंग ट्रेड के साथ में भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं, उसी में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अपना किसी का फैमिली के पोर्टफोलियो वो भी मैनेज करते हैं, तो ये सारे स्टॉक को बिल्कुल लेके चलिए, ठीक है, जो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक मैंने क्यों ऐड नहीं किया हूँ, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने दीजिए, मैं पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये जो 20 स्टॉक बताया हूँ, अभी आप 20 स्टॉक के ऊपर बिल्कुल नजर रखिए, ठीक है। अतुल को भी आप लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है अवंती फीड से, ठीक है, काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, इसीलिए आपका मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक जब भागेगा ना उस टाइम पे रुकेगा भी नहीं है बिल्कुल, ये स्टॉक जब भागेगा उस टाइम पे बिल्कुल रुकेगा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें भी जरूर कर लीजिए, इतना बड़ा सा करेक्शन के बाद में भी अगर अवंती फीड्स में आप अगर देखेंगे ना, सॉरी अगर देखेंगे यहाँ पे 54% का CAGR रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। स्टॉक में किसी भी साल में किसी ने भी इन्वेस्ट किया लॉस में नहीं है, एक साल में इन्वेस्ट किया 12% CAGR है, अगर 3 साल का इन्वेस्टमेंट है 14% CAGR है, अगर 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है 27% का CAGR है, अगर 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे 54% का CAGR है। लेकिन हम हमेशा तो सपोर्ट के पास में बाई करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए, तो CAGR अच्छा बनेगा, क्योंकि हम जहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, सपोर्ट के पास में बाई करते हैं, हमारा CAGR तो बढ़िया बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके लिए अलग से एक दिन वीडियो बना के आपको बताऊंगा किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ बढ़िया बनेगा, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि बर्जर पेंट है। फ्रेंड्स आप सबको मालूम है, किसी को कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, बर्जर पेंट किसी हिसाब से स्टॉक और किसी हिसाब से रिटर्न देता है, ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देता है। ये स्टॉक में आपका पोजीशन होना ही चाहिए। अगर आप अगर सोच रहे हैं कि एशियन पेंट से बर्जर पेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एशियन पेंट का हिसाब से अगर देखेंगे बर्जर पेंट में थोड़ा सा अच्छा रिटर्न भी दिया है, ठीक है, और मार्केट कैप अगर देखेंगे तो एशियन कंपनी जो है मार्केट लीडर है,
ठीक है, बर्जर पेंट में 76,000 का 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका सीएजीआर रिटर्न हम देखेंगे, यहाँ पे 36% का सीएजीआर रिटर्न है 10 साल में, ठीक है ना। तो बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इस स्टॉक में आपका बिल्कुल पोजीशन होना चाहिए। तो अगर पोजीशन नहीं बनाया है तो इस लेवल पे बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि कैम्स है। कैम्स के बारे में मैंने काफ़ी दिन पहले से भी आपको बताया था कि ये स्टॉक में बिल्कुल आप नज़र रख सकते हैं, इसमें आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। मैंने भी पोजीशन बनाया था, उस टाइम पे आपको भी स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था, ठीक है ना। अगर आप कम्युनिटी सेक्शन देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने उस टाइम पे शेयर भी किया था। फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी अभी पोजीशन नहीं बनाए, स्टॉक अभी भागा भी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल पोजीशन बना के चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बढ़िया सा रिटर्न मिल सकता है। अगर ये सारे स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप 10 साल के लिए 20 साल के लिए होल्ड करके चलेंगे ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है स्टॉक में, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि कुछ ये स्टॉक में हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि है कोलपाल, ठीक है। अगर कोलपाल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक को अगर देखेंगे ना, हमेशा 200 डे मूवी एवरेज को रेस्पेक्ट करता है। अभी 200 डे मूवी एवरेज के नीचे आ चुका है, तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल डरना नहीं होता, इसी टाइम पे आपको मौका ढूंढ के अभी बाय करना होता है। अभी ओनली बाय करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाय करना है, जब ऑल टाइम हाई पे जाएगा ना, उस टाइम पे एंजॉय करना है बैठ के, और कुछ नहीं करना है उस टाइम पे। उस टाइम पे सेल भी नहीं करना है, उस टाइम पे एंजॉय करना है, देखना है बस। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला है, उन्हीं का काम ऐसा ही है। जहाँ पे आपको डिप्स में मिलता है बाय करो, फिर उसके बाद में टाइटली होल्ड करके चलिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये कंपनी में। आइसर मोटर है फ्रेंड्स, आइसर मोटर में काफी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है तो ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से मेरा समझ में, जिस हिसाब से चार्ट में पैटर्न बन रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ तक जरूर जा सकता है कि मतलब एक साल के बीच में ही ये स्टॉक बिल्कुल आपको 4,700 के पास में बिल्कुल जा सकता है, 4,650 के लेवल बिल्कुल टच कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाय करना है, आप खुद का थोड़ा सा एनालिसिस करके बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर बाय करके चलेंगे, फिर भी ये स्टॉक में आपको बढ़िया सा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जो कि 80% का पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि HDFC AMC है। फ्रेंड्स, ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है स्टॉक, लेकिन काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन है, सबका मन में यही सवाल है, स्टॉक चल नहीं रहा है। फ्रेंड्स, अगर स्टॉक ऐसे चलना होता ना, तो फिर मतलब पेशेंस का कोई यहाँ पे कीमत नहीं होता। फिर एक पेशेंस एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ ये है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ पेशेंस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना पेशेंस का अगर स्टॉक मार्केट में है, हम अगर स्टार्टिंग करेंगे ना, तो फिर हम लॉस ही होगा। मैं इस चीज़ को क्यों बार बार रिपीटेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ में हुआ है। मैंने बहुत बार ऐसे स्टॉक को बाय करके चला हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल फिर से, बहुत सारा स्टॉक है, कोई एक स्टॉक के बारे में नहीं बता सकता हूँ, जो कि मार्केट लीडर स्टॉक को भी मैंने लॉस में सेल किया हूँ, जो कि हैवेल्स को, जब मैंने एंट्री किया था ऑल टाइम हाई पे हैवेल्स चल रहा था, उस टाइम पे मैंने बाय कर लिया। कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया से देखा कि स्टॉक बाय करो बाय करो बाय करो, तो बाय करके चला। उस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे जब मैंने बाय किया, तो स्टॉक में तो करेक्शन आएगा ना, करेक्शन आया, फिर उसके बाद में सब बोले कि सेल करो सपोर्ट टूटा है, तो उस टाइम पे मैंने सेल किया, तो मुझे लॉस हुआ। इससे काफ़ी सारा स्टॉक है, कोई एक स्टॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ सारे, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक भी मैंने पकड़ा हुआ था, और सबसे घटिया स्टॉक भी मेरा पोर्टफोलियो में था। ऐसा नहीं कि मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, मैंने बहुत गलती किया हूँ, अपना गलती से ही सीखा हूँ, और कहीं से ट्रेनिंग भी लेके ही सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद को ये किया है, ठीक है ना, कुछ सीखा भी है किसी को गुरु बना के, ठीक है, और अपने गलती से भी कुछ सीखा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए तो ये स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बहुत अच्छा सा स्टॉक है, HDFC AMC का ग्रुप है, पूरा ट्रस्टेड ग्रुप है। इसमें आपका फिक्स डिपॉजिट जैसे आपका रखते हैं ना, तो इसी हिसाब से ये स्टॉक में भी डाल दीजिए। 5 साल के बाद में जब आप पोर्टफोलियो ओपन करके देखेंगे ना, आपको ऐसा मिलेगा कि 5-6 times रिटर्न मिला है इस स्टॉक में। ये किसी को मतलब शौक ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, आपको बिल्कुल शौक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सारे अमाउंट एक ही स्टॉक में लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना फ्रेंड्स। आप सब एक बार पोर्टफोलियो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, काफी सारा नया सब्सक्राइबर जुड़े हैं, नया व्यूअर जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, आपको वहां पे काफी सारा बेनिफिट्स वीडियो जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक है, मैं काफ़ी दिन से इंतजार कर रहा था इस लेवल का, लेवल बिल्कुल आ रहा है अभी, ठीक है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है,
ठीक है, बिंदास अभी होल्ड मतलब बिंदास अभी आड़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1520 से लेके 1540 का लेवल में है, बिल्कुल आड़ कीजिए, जो कि आपको वैल्यू बाइंग मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ वैल्यू बाइंग है फ्रेंड्स, देखिए सारे स्टॉक जहाँ पे एक एक साल में इतना बड़ा सा रिटर्न दे चुका है, ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे ना, देखिए एक साल से कहाँ स्टॉक मूव हुआ है, उसी लेवल पे ही घूम रहा है, उसी लेवल पे ही घूम रहा है। स्टॉक में बिल्कुल रिटर्न ही नहीं दिया है मतलब HDFC बैंक ने, ठीक है। तो ये स्टॉक में आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए HDFC बैंक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, आपको पता चल ही जाएगा। आप खुद इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि कोरोना हुआ था ना, सब सारे स्टॉक मार्केट गिरा था, तो ये गिरा था, तो उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी वही हुआ, ठीक है ना। हमेशा आप अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, वही 200 डे मूविंग एवरेज, हर एक साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी हमें मौका ही दे रहा है, ठीक है। इसी मौका पे हमें फायदा उठाना है, इसी मौका पे हमें चौका मारना है, ठीक है। तो अपना पोर्टफोलियो में जरूर लेके चलना है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, अगर फ्यूचर के लिए आप स्टॉक मार्केट में एंट्री हुए हैं, तो अगर लॉस बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, तो आप बिंदास ये सब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आज को 5 साल पहले, 1 साल 2 साल पहले आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, ठीक है, जरूर बोलेंगे आप, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इसी हिसाब से चलेगा कि आपको थैंक यू बोलेंगे ही आप, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। HDFC लाइफ है फ्रेंड्स, किसी से कुछ मतलब इतना ज्यादा हमें कन्फ्यूजन है ही नहीं, ये ट्रस्टेड ग्रुप है। HDFC लाइफ में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। अभी भी आप HDFC लाइफ में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के पास में काफी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए पिछले साल इसी लेवल पे ही था, अभी उसी लेवल पे ही चल रहा है, ठीक है ना। ये स्विंग ट्रेड के लिए कुछ लेवल मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, तो आप होल्ड करके चलिए, इसमें आड़ कीजिए, एक इसको बढ़िया से इसको ट्रैक करके चलिए लाइफ टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 50x 100x रिटर्न मिल सकता है 20 साल में, ठीक है। अगर आपको इसमें स्विंग ट्रेड लेना है फ्रेंड्स, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 942, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं टारगेट क्या है, टारगेट क्या है। ये स्टॉक में टारगेट जो है HDFC लाइफ में 942 पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइएगा, ठीक है। जो भी आपको 35% 34% का गेन मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, ये मार्केट लीडर कंपनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है। यहाँ पे 20% CAGR रिटर्न दिया है 10 साल में। तो ये स्टॉक में आपका अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, आप रात में मतलब चैन का नींद सो सकते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ऐसा स्टॉक में, ठीक है ना। आप देखिए हर एक साल में कभी कभी मौका देता है ऐसे 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आने के लिए, ठीक है। तो अभी भी मौका पे मिल रहा है, तो अभी 2406 का प्राइस पे चल रहा है, अभी आप बाय करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको मैं एक स्टॉक बता रहा हूँ, आप अभी ले लीजिए, ठीक है। अभी बिंदास ले लीजिए स्विंग ट्रेड के लिए, ये सेकेंड टी पे जो स्विंग ट्रेड के लिए अभी ले लीजिए आप। यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई के पास जाएगा 2850 के पास में, आप सेल कर दीजिए, आपको 18% का गेन मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, ओनली 6 मंथ्स लगेगा, ठीक है। मैं ये स्टॉक क्यों बता रहा हूँ, जिनके पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, जो 40% गेन का रिस्क नहीं ले सकते हैं, जहाँ पे 40% गेन है वहाँ पे 20% नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है, उसको होल्ड करना है। तो अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये स्टॉक को आप बिल्कुल अभी एंट्री लीजिए, 18% का गेन लीजिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल का गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन है। फ्रेंड्स स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका पोर्टफोलियो साइज अगर बड़ा है, तो आप ये स्टॉक को भी लेकर चल सकते हैं, जो कि 41,600 का एक स्टॉक है, ठीक है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बिग पोर्टफोलियो है, तो आप ये स्टॉक को भी बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि ICICI लोम्बार्ड है। फ्रेंड्स ये स्टॉक के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बहुत बार मैंने ये स्टॉक के बारे में डेली डेली बोलता हूँ, लेकिन काफी सारे फ्रेंड्स अभी इसमें बोरिंग भी होते होंगे कि क्या यार बार बार आप वही स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स ये कोई टेस्ट थोड़ी है कि चेंज करने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जब बनाते हैं ना स्टॉक, तो हम सोच समझ कर 50 स्टॉक लेते हैं, उसको लाइफ टाइम के लिए लेके चलते हैं। अभी तो हमने 20 स्टॉक्स के बारे में बात भी कर लिया, ठीक है, और 30 स्टॉक्स भी अभी आगे भी आने वाला है, क्योंकि जब मार्केट में थोड़ा सा ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो उस ग्रुप में जब वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वहाँ पे हम बाकी करेंगे, ठीक है ना। अभी HDFC ग्रुप है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अभी हम बाई करके चल रहे हैं, अभी इंतजार कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टॉक जो आएगा उस टाइम पे, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लेकिन अभी 20 स्टॉक आप लेके चलिए।
नेक्स्ट स्टॉक है आपका इंडिया मार्ट है फ्रेंड्स, इसमें भी आपका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करके चलिए, आपको कोई डरने का रीजन नहीं है। काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, मार्केट में रिजल्ट भी बढ़िया से रिजल्ट पेश किया है, ठीक है। इनका B2B बिजनेस है, तो इसमें अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि लैब है, लाल पाथ लैब में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे थायरोकेयर और लाल पाथ लैब में अगर देखेंगे रिटर्न के मामले में और स्टॉक के मामले में, क्योंकि ये थायरोकेयर क्या है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें अगर देखते हैं ये एक मिड कैप कंपनी है। अगर लाल पाथ लैब का देखते हैं, मैं आपको क्यों बोलता हूँ लाल पाथ लैब ले लो, तो कंपनी देखिए 30,000 मार्केट कैप की कंपनी है। अगर थायरोकेयर देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है ना, वहां पे देखिए थायरोकेयर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लाल पाथ लैब ले लीजिए। वहां पे थोड़ा सा अच्छा सा, इतना ज्यादा सा नेगेटिव मतलब फॉल नहीं होगा, जहां पे थायरोकेयर में थोड़ा सा फॉल भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कोई प्रॉब्लम वाला स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, जो कि फाइजर है। फाइजर स्टॉक में भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी आपको मौका बन रहा है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के पास में बिल्कुल चल रहा है, सपोर्ट के पास में। अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक लेना है तो अभी ले लीजिए, आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा जब ऑल टाइम हाई के पास चला जाएगा 6,178 के पास, तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए, ठीक है। टेस्टी वाइट है फ्रेंड्स, टेस्टी वाइट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक है, आप 13,650 का लेवल पे जरूर बाय कर लीजिए, ये आपके लिए एक बढ़िया सा मौका दे सकता है, ठीक है। मैं भी अभी वही सेम लेवल का बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ, वो लेवल आने दीजिए, उसके बाद में मैं भी ये स्टॉक में ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। बढ़िया सा स्टॉक है, आपको डरने की रीजन नहीं है, आपको ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी दिखा सकता है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना है तो ऐड करके चलिए, आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर हम देखेंगे अभी टेस्टी वाइट में, मैंने तो कल वीडियो बना के भी बताया भी था, यहाँ पे कोई रिटर्न के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा सा करेक्शन के बाद में भी स्टॉक में 10 साल में 65% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो एक बढ़िया सा स्टॉक है, एक ही रिजल्ट खराब हो जाने से स्टॉक कुछ खराब नहीं हो जाता है, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि TCS है फ्रेंड्स, ये IT कंपनी का मार्केट लीडर है। ये स्टॉक में आपका अलर्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे मैं 3%, 2%, 5% की बात करता हूँ, ये सब स्टॉक में अगर आप अलर्टमेंट अगर ज़्यादा भी रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब लार्ज कैप स्टॉक है और मार्केट लीडर है, ठीक है। अगर आपको इसमें अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो आपको मैं बिल्कुल मना भी नहीं करूँगा, इसमें आप ज़्यादा परसेंटेज भी कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो। देखिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये सब स्टॉक में इतना बड़ा सा फॉल कभी नहीं आएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.08 है, बढ़िया सा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 21% का CAGR रिटर्न दिया 10 साल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक IT स्टॉक है, मार्केट लीडर है, ये स्टॉक में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे वर्लपूल है फ्रेंड्स, वर्लपूल सब इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक जब भागेगा ना उस टाइम पे पकड़ना भी नहीं आएगा, ठीक है। वर्लपूल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखेंगे, देखिए वर्लपूल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक कोई बुरा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, प्रमोटर प्ले जीरो है, प्रमोटर का होल्डिंग एक बार देख लीजिए 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस हिसाब से प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, प्रमोटर एक भी स्टेक सेल नहीं कर रहा है अपना मार्केट में। अगर हम देखेंगे ये स्टॉक में 29% का CAGR 10 साल में, इससे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में करोड़पति बना सकता है, ठीक है। यही 20 स्टॉक था, फिर से एक बार जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए, कोई भी वीडियो देखने से जो ये करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आप स्टॉक देख लेने से कोई प्रॉब्लम है ये नहीं होता। ऐसा होता तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता कि ये 10-20 स्टॉक को ले लो, किसी हिसाब से बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे एशियन पेंट है, अस्ट्रल है, अतुल है, यहाँ पे आपका अवंती फीड्स है, बर्जर पेंट है, कोलपाल है, आइसर मोटर है, HDFC AMC है, HDFC बैंक है, HDFC लाइफ है, हिंदुस्तान है, हनीवेल ऑटोमेशन है, ICICI लोम्बार्ड है, इंडिया मार्ट है, लाल पाथ लैब है, फाइजर है,
टेस्टी बाई टे, TCS है, वर्लपूल है, ये सब स्टॉक के बारे में हमने बात किया। लेकिन इसमें एक स्टॉक में मैंने आपको लेवल बताया, ये लेवल पे जरूर आप इंतजार कीजिए, जो कि एस्ट्रल के बारे में मैंने बताया फ्रेंड्स। एस्ट्रल में आप इस लेवल पे बाई कीजिए, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के पास में आएगा, उसी लेवल पे जरूर बाई कीजिए। अभी इमीडिएटली बाई मत कीजिए, जो कि 2130 से लेके 2150 का लेवल पे जरूर बाई कीजिए, ठीक है? वो लेवल जरूर आपको आ सकता है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताने भूल गया, आज जो स्टॉक मैंने बाय किया हूँ आज के दिन में,